The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. अगर हम डिजाइन पे काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी डिजाइन करके इम्पोर्ट करा सकते हैं। नहीं, आपको बेस रैबिट से ही पकड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या करना है, एक रैंडम आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो पहला टास्क ये हो गया कि अब आप क्या करोगे, इसमें एक अच्छा सा एलिवेशन बनाओगे, एलिवेशन बनाओगे और एलिवेशन पे फोकस करोगे ये सोच के कि उसमें मॉडर्न एलिवेशन हम क्रिएट करेंगे। अगर हमें सारी वॉल का मटेरियल चेंज करना है, अगर हमें सारी वॉल का मटेरियल चेंज करना है तो वहां पर I'm
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बस इसी को कॉपी कर देंगे, यहाँ पर पूरे को पकड़ के रोटेट करा देंगे, यहाँ पर मूव करा देंगे, इतना स्ट्रेच करना चाहो ओवरऑल आप स्ट्रेच कर लो। ये बन गई साइड। अब हम इस फाइल को सेव एज करते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके हम करेंगे नाम डाल दिए और नेम प्रोजेक्ट पेस्ट पे क्लिक करें और इस फाइल को हम सेव करके पहले से रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें
अब हम मोबाइल को यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है इम्पोर्ट मॉडल्स। जैसे इम्पोर्ट मॉडल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पर ही खुल के आ जाएगा इम्पोर्ट मॉडल्स लाइब्रेरी। हमें यहाँ पर क्लिक करना है, हमें यहाँ पर किसी भी मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दो, ये जो फाइल्स पहले से अगर आपके पास आ रही है एग्जाम्पल, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, बात तो ये है ना, मतलब जो मार्केट में जो एक तरीके का काम कर रहा है, जो पानी लाइन बना रहा है, आर्टिफिशियल टेम्पलेट में फिट कर रहा है, तो लोग उन्हीं के पैसे दे रहे। जो मैंने आपको ड्राइंग भेजी है रूम की, उन्होंने 75,000 दिए थे चार रूम के, नाम डाल के हम यहाँ पर आएंगे क्रिएट न्यू पे जी। क्या लेंगे यहाँ पर, एनवायरनमेंट दिए हुए हैं घास वगैरह, मतलब ये तो खैर प्लेन चाहिए होगा तो प्लेन ले सकते हो, ग्रास का चाहिए तो ग्रास ले सकते हो, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा हिल एरिया वाला, तो हिल एरिया थोड़ा सा ग्रास के साथ ट्रीज वगैरह है, लैंडस्केपिंग है, वो ले सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट पे क्लिक करोगे तो आप इसे इंपोर्ट करा सकते हो। और इसका डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, आता रहता है दोबारा से, तो नीचे दिया हुआ सेलेक्ट, नीचे दिया सेलेक्ट, आप सिर्फ क्लिक कर दो, ये करेक्ट है, चलेगा। कस्टम बनाया हमने, ये कस्टम देखो मेरा, ये डिस्प्ले चलेगी, मेरी डिस्प्ले आ रही है,
एक एक करके चीजें इम्पोर्ट करा सकते हैं। अगर आप लेयर से काम करना चाहते हैं, जैसे कि पहला है हमारा, पहला क्या लेयर सिस्टम, तो आप यहाँ पर नाम क्लिक कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या है नाम, मैंने कहा हाउस, पहली लेयर आ गई किसकी, हाउस की। इससे फायदा क्या हुआ, इसको आप अब जब हम आगे काम करेंगे तो उसको ऑन ऑफ कर सकते, मॉडल है हमारा। मैं जब उसके नीचे आता हूँ थोड़ा सा टच करके, तो उसको आप मॉडल को, अब जैसे कि जहाँ पे मॉडल को मूव कराना है तो फिर उसकी सिस्टम अलग है। अगर मॉडल पे काम करना है तो आप क्या होंगे, मोड मॉडल क्या होंगे, याद रखें तो आप इसको मॉडल क्या होंगे। तो हो गया काम करना, इसी के पास दिया होता है नेचर, इसी के नीचे दिया है इंडोर। जैसे कि हम चाहते हैं अपने मॉडल का मटेरियल बाद में चेंज करें, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। हमने यहाँ पर नेचर पे क्लिक करा, मैं जैसे ही नेचर पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, लाइब्रेरी है, पर डॉट लीफ, कॉनिफर, पाम ट्री, लीफ ट्री, ग्रास, प्लांट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें काम कैसे करना है इसको देखते हैं। कुछ जो हम लोगों ने ट्रीज के लिए बनाया था उसमें कुछ ट्रीज हम वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ पर हमारे पास ट्रीज कम था, डिजाइन करना था। आप वहाँ पर वन पे आइए तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा देख लीजिए और उसको परफेक्टली मेंशन करिए। जैसे कि हमने कहा कि इस वाले मॉडल को लिया, अमेरिकन बीच को लिया, यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरे वाले पे आइए, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक करें, मैंने कहा ये ठीक है। जैसे कैट में करते आ रहे थे, तो पहले क्या है, सीन को रियलिस्टिक बनाओ। ह्यूमन का पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इसका सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट रूल है सीन को रियलिस्टिक बनाओ, लगे हाँ जो लगे वाकई में हाँ कुछ है। लोग क्या करते हैं, 90% लोग इस चीज को वाकिफ नहीं होते, क्या है कि
कभी कभी देखा होगा कि यार तो बहुत ज्यादा शैडो आ रही है, शैडो बहुत कम आ रही है, वो तक शैडो आनी चाहिए। अब कोई बात नहीं, आप स्केल पे आओ, स्केल पे आके देखो ये मैं क्या करा रहा हूँ, स्केल करा रहा हूँ, स्केल करा दिया हमने, शैडो बढ़ गई, इसको स्केल करा दिया, ठीक है, सीन ऊपर मैं बना रहा हूँ, परफेक्ट लगे कि हाँ ये रियलिस्टिक है। स्केल में आप इस पॉइंट स्केल ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बीच वाले पॉइंट पे क्लिक करके बढ़ा दो, अच्छा, और रोटेट करना है तो रोटेट तो ऊपर पे क्लिक करो, यहां पर क्लिक करके ये ऐसे ये लगाने वाले हैं, कुछ अगर गलत हो गया हो उसे डिलीट करना हो तो यहाँ डिलीट पे आए, पॉइंट पे क्लिक कर दिया, डिलीट बस पेड़ को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो ना, तो इससे डिलीट। अभी हम लोग ट्रीज नेचर के अंदर हैं और नेचर के अंदर तब हम इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे आप इससे बाहर आओगे तो आप नहीं कर सकते, फिर वो कमांड से एक्सेप्ट हो जाएगा, उस नेचर पे होना चाहिए, नेचर पे होना चाहिए तब हमारा सिलेक्ट होगा। और ये जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट में, और जब भी काम करो ये के एनवायरनमेंट को जितना चाहो उतना कवर करो अलग अलग तरीके से। आपने क्या सोचा कि ठीक है यार एक कार यहाँ पर देंगे ताकि खुला खुला सीन दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं ये देख लेना, इसमें फ्लावर्स वगैरह हैं जी जी फ्लावर्स हैं, ठीक है, अच्छा वगैरह है वो यूज कर सकते हो कार के लिए, देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या ना कोई भी अच्छी चीज सेलेक्ट करना, प्लेस कर देना, वो लगा दो साइड से, वो आप यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेस्ट रहेंगे। आप यहाँ पर देख बहुत सारे देखो, आप यहाँ पर लगा के स्केल लेके ऐसा देखना
नहीं देते, हाँ ये चल जाएगा ये चला दो, ये चल जाएगा मसूरी का बना को चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये भी इसके आगे भी ट्रीज लगा, देखो यहाँ पर एक एक, एक ट्री है, यहाँ पर क्या करना है थोड़ा सा पीछे करना है इसको मकान, ठीक है इसको भी थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखो यहाँ पर ट्री क्या करना, यहाँ पर नेचर पे जाके पेड़ लगा देना खुद जाएगा, अब देखो सीन जैसे जैसे बना रहा हूँ देखो रियलिस्टिक लग रहा है, क्यों लग रहा है कि हाँ आस पास लग रहा है, थोड़ा ऑन करो से कहते हैं मॉडल ट्रांसपोर्ट वगैरह है यहाँ पर पीपल एंड एनिमेशन, पीपल एंड एनिमेशन पे आके ये भी तुमने चेक कर लिया होगा ना, एक दो कर ले हम जानते हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा तरीके से सारा एक्सपेरिमेंट कर चुके होगे तुम, ये तो सब में नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा सर, असल में क्या ना देखने से और एक आदमी समझ जाता है वो अलग बात है, देखने से कोई नहीं होता, तुमने दो मिनट की वीडियो बीटू की वीडियो देख के डॉक्टर जी बनते थे कि तो आप बात में बताए तुम
फिर एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर और इस पे ध्यान नहीं दोगे, इसलिए नहीं बताएंगे हम। नहीं नहीं करो, नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं कर आइए ठीक है। मैं था के पास है आप सब को भी तो बिना आपके बीच से नहीं बिना लड़े नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम पर इसकी कोई साइड वगैरह बनाते। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन लगा हुआ है मंदिर का, मटेरियल चेंज करना है हमें, ऊपर के ग्लास चेंज करना है। मैंने ग्लास को चेंज करा, इंडोर और आउटडोर, आउटडोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्लास का ऑप्शन और ग्लास को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आप इसी पे डबल क्लिक करना, यहाँ पर दिया है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ज्यादा करना है, पूरा ब्लर बनाऊंगा। हाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं नहीं यहाँ पे दिया है डबल साइडेड, अगर आपको रखना है तो डबल साइडेड, अगर आपको फ्रस्ट्रेटेड रखना है तो फ्रस्ट्रेटेड ब्लर। काम को इजी कर दिया लेकिन आप भी मैनुअली अपने हाथ से करें तो ज्यादा बेटर है, चीजों को नॉलेज है। नॉलेज है अब जैसे ये वाला इसका पाइप हो गया, इसको हमें चेंज करना है। इसे क्लिक करा, इंडोर पे गए, यहाँ पर आता है मेटल। आप मेटल ले लो, ये देखो वॉल पे, वॉल को आपको चेंज करना है। वॉल पे क्लिक कर दो, साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं वो उसी में दे रहा था। ऐसा नहीं है, ल्यूमन में एक बहुत अच्छी चीज है, आप अपना खुद का मटेरियल बना सकते हैं। कैसे? देखो मैं यहाँ पर एक खुद का बनाता हूँ मटेरियल, ठीक है। अब मैं कौन सा लगाऊंगा जो हमारे पास सेव है डेस्कटॉप पे, हम उसी मटेरियल को यूज करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलग से बैकपैक देना चाहते हो, वॉल डेकोर करना चाहते हो, तो सब कुछ कर सकते हो।